सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत देश है। भारत के लोगों के लिए सिंगापुर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। सिंगापुर में साफ सफाई को लेकर लंबे समय से जुनून रहा है। वहाँ बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जिनकी पालना न करने पर जेल हो जाती है और बहुत सारा जुर्माना भी देना पड़ता है। अगर आप सिंगापुर घूमने जा रहे हो तो वहाँ के नियमों के बारे में जान लीजिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और आखिर तक वीडियो देखना। यहाँ अगर कोई इंसान पब्लिक प्लेस में थूक देता है तो उसे $1,000 का जुर्माना देना पड़ता है, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ती है। वहाँ पर आप च्युइंगम नहीं चबा सकते क्योंकि वहाँ पर च्युइंग बैन है। अगर कोई च्युइंगम खाता या फिर बेचता पकड़ा जाए तो उसे 2 साल की कैद और $1,00,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। गंदगी फैलाने वालों को वहाँ $300 तक का जुर्माना देना होता है और साथ ही जेल की सजा भी होती है। अगर कोई बार बार ऐसा करता है उसे 1 हफ्ते तक सड़कों की सफाई करने की सजा मिलती है। यहाँ अपने घर के आसपास नंगे बदन नहीं घूम सकते। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाए तो उसे बहुत भारी जुर्माना दे आ पड़ेगा। वहाँ पर सिर्फ अपने घर में ही सिगरेट पी सकते हैं। आप पब्लिक प्लेस और वाहनों में स्मोक नहीं कर सकते और ट्रेवल करते हुए अपने साथ सिगरेट नहीं लेके जा सकते हैं। अगर आपने वहाँ टॉयलेट करने के बाद फ्लश नहीं किया तो आपको $150 का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहाँ कबूतरों को दाना डालना बैन है। अगर कोई कबूतरों को दाना डालते पकड़ा जाए तो उसे $500 जुर्माना भरना पड़ता है। वहाँ पब्लिक प्लेस में गाना ही गा सकते। पब्लिक प्लेस में गाना गाने वाले इंसान को अगर पुलिस ने देख लिया तो उसे 3 महीने तक जेल की सजा हो जाती है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ता है। वहाँ अगर आप किसी और के वाईफाई को कनेक्ट कर यूज रहे हैं तो ऐसा करना है किंग माना जाता है और ऐसा करने से $10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही 3 साल की जेल हो सकती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।